चाचा थिएटर में फिल्में एक्सपीरियंस करने के दो तरीके होते हैं। पहला, अगर पिक्चर में दम है तो वो आपको इतना इन्वॉल्व कर देगी भाई साहब, आपका मन करेगा और इसको देखते जाएं। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी हमारे सिनेमा के अंदर रिलीज होती हैं जिनको देखने के बाद मन करता है बस एक ही शब्द निकाले मुंह से, ये तो टट्टी है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 5 वाहियात घटिया थर्ड क्लास एकदम गिरी हुई थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास वाली पिक्चरों की बात करेंगे जिनको देखने के बाद दिमाग का जो है एकदम से भांग और आगे समझ सकते हो आप। ये सब हो चुका था तो नंबर 5 की हमारी लिस्ट में सबसे पहले वो फिल्म आती है जिसको लेके सला अलग ही लेवल की हाइप। टीजर को इंग्लिश में रिलीज किया गया था, मतलब इंटरनेशनल रिलीज दिए जा रही थी पिक्चर को। भाई साहब पिक्चर का नाम था राधेश्याम, 350 करोड़ रुपया बजट। एंड जब मैं इस पिक्चर को देखने थिएटर गया, पहला रिएक्शन 350 करोड़ कौन सी जगह पे घुसाए हो पिक्चर में, मुझे खाली इतना बता दो। ना ही ढंग के आपको VFX मिलेंगे, ना ही ढंग के आपको चीजें मिलेंगी जो एकदम से कंप्लीट लगे। हालांकि एक चीज कहना चाहूंगा कि जो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी देने का काम किया गया था, लोकेशन वगैरह काफी बेहतरीन थी। बाकी प्रभास सर तो हिंदी में स्ट्रगल करते रहते हैं अनन्या पांडे की तरह, तो सेम वही चीज आपको उसमें भी देखने को मिलती है। एंड मूवी की स्टोरी ऐसी थी कि भाई साहब स्टोरी भी खुद को ढूंढ रहे हो कि मैं हूं कहां पिक्चर के अंदर। उसके बाद नंबर 4 पर मैंने देखी आंटी जी की पिक्चर जो है धाकड़, जिसका नाम भाई साहब धाकड़ तो धाकड़ ही है। जब ट्रेलर आया था मजा आया था, हाँ ब्रूटल होगी। हमारे पीजे भैया ने तो 150 वीडियो भी उस पर चिपकाए थे धाकड़ पे। लेकिन जब वो पिक्चर रिलीज हुई तो खुद को ढूंढ रही थी कि मैं इस दुनिया में आई क्यों, मतलब मुझे बनाने का मकसद क्या था भाई साहब। ये तो अब एकदम अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था इस पिक्चर को देखते समय। कोल माइंस के अंदर जो है स्टोरी बेस थी, एक गैंगस्टर को पकड़ना है, बेचारी लड़की पकड़ नहीं पा रही, एजेंट है एक्चुअली में जिसका नाम अग्नि। अग्नि के अंदर पावर तो बहुत है लेकिन उस अग्नि को दिशा देने वाले डायरेक्टर के अंदर पावर की कमी थी, थोड़ी गोलियां लेके पिक्चर बना। कैसी अपमान करे बातें कर रहा लड़का ये, मतलब दिमाग वाली गोलियां लेके अगर पिक्चर बनाते तो थोड़ा अच्छा हो जाता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात की दो पिक्चरों के नाम बता दिए, अभी तक तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, ढेर सारा कॉन्टेंट आएगा कैसे देखोगे, नहीं मुझे बताओ कैसे देखोगे। इसीलिए तो कहते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कर्तव्य है आपका जो एक यूट्यूबर के प्रति आपकी निष्ठा को बढ़ाने का कार्य करता है, दैट मीन्स आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 3 पर मैंने एकदम वाहियात पिक्चर देखी जिसका नाम था लाइगर। एंड ये एक पैन इंडिया रिलीज थी, भाई साहब पूरी जगन्नाथ जो है पिक्चर के डायरेक्टर हैं, साउथ के डायरेक्टर भगवान होते हैं। लेकिन करण जौहर सर ने इस पे पैसा भी लगाया कि हाँ चलो हम विजय देवर इंडस्ट्री को जो है एकदम सुपरस्टार वाले लेवल पर प्रेजेंट करेंगे, बंदे से बड़ा तो कोई एक्टर नहीं है। लेकिन उनको गलत सिस्टम दे दिया, अनन्या पांडे के साथ लॉन्च कर दिया। अब वो स्ट्रगल कर रही थी इस पिक्चर के अंदर, अनन्या पांडे के साथ साथ विजय देवर कुंडा सर भी एकदम से स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, तो उसका क्या ही कहना। पिक्चर में सर पैर के नाम पर आपको क्या मिलता है, खत्म, बस खत्म। उसके बाद नंबर 2 पर मैंने 2 फिल्में रखी और उनमें से सबसे पहली फिल्म, भाई सब्सक्राइब कर लो यार थोड़ी देर से कह रहा हूँ प्लीज, फिर उसके बाद बताते हैं। तो नंबर 2 पर मैंने 2 फिल्में रखी जिनमें से पहली थी गॉडफादर। टू बी ऑनेस्ट यार, मतलब सलमान खान सर को सबसे गलत तरीके से इस पिक्चर के अंदर प्रेजेंट किया गया होगा। फिल्म की स्टोरी क्या थी, एक फैमिली मैटर हो जाता है, पूरा सब रिवील करके रखा है। राजनीति पिक्चर की कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी लॉजिक, वो पिक्चर जिसमें आपको कोई ट्विस्टर नहीं देखने को मिलेंगे। गुंडा सामने बैठा है, सबको पता है ये गुंडा है, उनकी बहन सुधर जाएंगी, फिर भाई बहन में प्रेम हो जाएगा, पिक्चर खत्म। रखा है क्या है, पिक्चर के अंदर स्पेशल था भाई साहब चश्मे का अपीयरेंस, जिसमें हमारे चिरंजीवी सर 4-5 बार आते हैं स्लो मोशन में, इसे चश्मा लगा के भौकाल मार के खड़े हो जाते हैं। और जो बची खुची कसर थी वो सलमान खान सर के कैमियो के टाइम पर जो है उसके VFX डिपार्टमेंट ने कर दी। भाई साहब बैडास रवि कुमार दिखा है, इज्जत बढ़ जाएगी उस बंदे के लिए, कम से कम वो हां काइंड मास्टर पे तो शूट कर रहा है। ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी बना के ऐसे डाल दिया, एक 3D मॉडल बनाया ट्रक और दोनों ट्रक को ऐसे उड़ा दिया, काम खत्म। सलमान खान सर को सबसे गलत तरीके से प्रेजेंट करना हो जाए, चाहे उनके फेस का टोन हो जाए, इतनी वाहियात तरीके से उसको प्रेजेंट किया है कि मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई साउथ के डायरेक्टर्स के साथ दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बंदा टैलेंटेड नहीं है, पहले चेक करो कि वो अनन्या पांडे के स्कूल से टैलेंट तो नहीं हासिल करके आया है, ऐसे नहीं पिक्चर साइन कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी हमारी फिल्म थी हीरोपंती 2। और सच बोलूं तो अहमद खान के आगे सर मैं इसीलिए लगा रहा हूं कि बंदे ने जो है हमको जो है बागी 2 जैसी पिक्चर दी थी। अगर इसने बागी 2 ना बनाई होती तो इस बंदे को मैं सर क्या कुछ भी ना बोलता, डायरेक्टर का नाम ही मैं मिस कर देता। टाइगर श्रॉफ सर वो एक्टर जिन्होंने भाई साहब बंदे ने कमाल मचाया वॉर पिक्चर के अंदर, बागी के अंदर अच्छा काम किया, स्टंट कर लेता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करवाओगे बंदे से, पैंट तक फाड़े डाल रहा पिक्चर की पिक्चर में मजा आने के लिए। लेकिन वही तो आ ही नहीं पा रहा है। नवाजिद दिन सिद्दीकी कुछ महीने पहले, रिलीज के कुछ महीने पहले ही एक भाषण देते हैं कि मुझे एक्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम, बॉलीवुड को सिखाते हैं पूरे बॉलीवुड को, एंड उस पिक्चर में ऐसा एक्टिंग करते हैं ना, निकल पहली फुर्सत में निकल।
उसके बाद नंबर वन पर आती है हमारी सबसे बड़ी लीजेंडरी पिक्चर, जिसको देखने के बाद सच बोलूं तो केआरएस के भैया बहुत ही साधु आदमी लगे कि भाई बंदे में दम था, कम से कम देशद्रोही बनाई, कुछ ही जगह पर अच्छा काम किया था, म्यूजिक तो बढ़िया ही था, वो ऐसे से वाला डांस तो कर लेता था, बंदे की ना शकल ना हाइट ना कुछ भी, पर फिर भी बंदे ने एकदम पैसे के दम पर कुछ भी हो सकता है ऐसा दिखा दिया। वसी रौतेला जिनको ऋषभ पंत भी भाव नहीं देते हैं, बंदे ने 20 करोड़ में खरीदा, मतलब खरीदा नहीं था, पिक्चर के लिए साइन करने को दिया था कि 20 करोड़ देंगे, साइन आओ हमारी पिक्चर में, ऐसा देख क्या लिया था मतलब रोशी रौतेला के अंदर मुझे नहीं पता। बंदे का नाम था श्रीनिवास, जो कि एक बिजनेसमैन है शायद साउथ का, एंड मूवी का नाम था लीजेंड, और ये लीजेंड नहीं लीजेंड पिक्चर थी, कसम से बता रहा हूँ मैं। इसको देखने के बाद मैंने बताया ही के लिए जब रिस्पेक्ट बढ़ गई तो पिक्चर का क्या लेवल रहा होगा तुम समझ ही सकते हो। अगर लेवल से याद आया कि भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना है, हाँ दोनों बातों में कोई लॉजिक नहीं है, पर अगर आप कर दोगे तो अच्छा रहेगा। आगे चल के हम टॉप 5 बेस्ट फिल्मों की लिस्ट लेके आएंगे। हम पिछली बार जो लिस्ट लाए थे टॉप 5 की, उसमें मैंने बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की बात करी थी, अब की बार जो लिस्ट आएगी वो बेस्ट कंटेंट ओरिएंटल फिल्म्स की बात आएगी, दैट मींस जिनमें कंटेंट कड़क माल था। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका एक कर्तव्य है, निष्ठा है, इसको निभाओ। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ओके बाय, जय हिंद।